नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है पूर्व दिशा, ईस्ट जोन। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ जो चर्चा की थी वो की थी नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में, ईशान दिशा के बारे में। ईशान दिशा का फर्श का लेवल ऊँचा है या छत के लेवल में ईशान दिशा ऊँची है तो उसके क्या प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। आज ऐसे ही मैं आपको पूर्व दिशा का फर्श का लेवल ऊंचा है या छत के ऊपर पूर्व दिशा में कमरा बनाया हुआ है या स्टोर बनाया हुआ है तो इसके क्या प्रभाव आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। पूर्व दिशा सामाजिक संबंध अच्छे बनाने की दिशा है, मान सम्मान भरपूर मिलता है, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, धन दौलत बढ़ती है और घर के जितने भी मेल मेंबर हैं वो हमेशा खुशहाल होते हैं। और जब भी पूर्व दिशा में वास्तु दोष आ जाता है तो घर में रहने वाले जितने भी मेल मेंबर हैं उनको परेशानी आती है, मान सम्मान में कमी आती है, जो घर की पुत्र संतान है उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है और धन की हानि भी होती है। क्योंकि पूर्व दिशा में वास्तु दोष एक नहीं कई प्रकार से आता है। जैसे पूर्व दिशा में फर्श का लेवल ऊंचा हो जाता है तो वास्तु दोष बन जाता है, आपने पूर्व दिशा में स्टोर बनाया है तो भी वास्तु दोष बन जाता है, पूर्व दिशा में आपने छत के ऊपर अकेला एक कमरा बनाया है तो भी वास्तु दोष बन जाता है। आपके यहाँ पूर्व दिशा में फर्श का लेवल ऊंचा बन चुका है और आप इसे तोड़ नहीं सकते, इसे हटा नहीं सकते, तो कुछ समय के लिए आप इसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट कराएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा। छत के ऊपर कमरा बनाया हुआ है तो आप उस कमरे में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हल्का हरे रंग का पेंट करते हैं तो उसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपने पूर्व दिशा में स्टोर बनाया हुआ है तो भी आपके यहाँ वास्तु दोष बन जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, पूर्व दिशा में जो आपने स्टोर बनाया हुआ है उस स्टोर को आपने खाली करना है। जो आपने स्टोर बनाया हुआ है उसमें दरवाज़ा तो लगा हुआ है, अगर स्टोर के अंदर कोई खिड़की भी लगी हुई है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, आप उस खिड़की को और दरवाजे को हर रोज़ खोलना शुरू करें। ऐसा करने से आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके पास जगह अच्छी है तो आप अपने घर की पूर्व की दिशा को हमेशा खुला, खाली और नीचा रखें। ऐसा करने से आपके यहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे, मान सम्मान भी भरपूर मिलेगा और घर में परिवार की बढ़ोतरी भी जरूर होगी। धन दौलत तो रूटीन में आती ही रहेगी जब पूर्व का भाग खुला होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सर्कल में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो व्यक्ति अपना घर बनाने जा रहा है, हो सकता है मेरी ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ जाए। आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगले प्रोग्राम में मैं आपको साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ का फर्श का लेवल ऊंचा है तो उसके किस तरह के क्या प्रभाव आपके घर में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।